देखिए, हम फिजिकल बहुत एफर्ट कर भी लेना, जैसे एक एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि फिजिकल नहीं किया लेकिन ड्रेन फील हाँ करते हैं, जी तो कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन किया भी है, बहुत काम किया है, सुबह से उठकर आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर आपका मेंटल, यू नो, आप बहुत चार्ज्ड होकर वो करें, मेंटली आप बहुत चार्ज्ड होकर वो कार्य हाँ करें ना, तो आपको ये ड्रेन वाली फीलिंग नहीं आती, विच राइट मीन्स योर टायर्डनेस इज नॉट कनेक्टेड टू फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क सो हाँ ये मच। होता है कभी कभी, बहुत फिजिकल किया लेकिन फिर भी इतने हाँ, थक मन नहीं से गए होते। चार्ज्ड, हाँ चार्ज्ड होते हैं, जी एनर्जी एनर्जी लेवल्स अच्छे एनर्जी होते लेवल्स हैं, अच्छी होता है होती ऐसा। हैं, राइट। अब यहाँ पे सो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सम अदर एस्पेक्ट पॉसिबली दैट वी नीड टू एड्रेस, जिसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जी जब हम अपने एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, जब हम यू नो बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, चांसेस आर दैट द क्वालिटी ऑफ आर थॉट्स, हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है, उसमें कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक। फॉर एग्जाम्पल, जितना हमारे थॉट्स की क्वालिटी जो है वो नेगेटिव की तरफ होती है, तो उतना ही हम लाइफ में ड्रेन्ड ज़्यादा फील करते हैं। ओके या सो देर इज नेगेटिव थॉट्स, देन समटाइम्स वी मे नॉट बी वेरी नेगेटिव, हम हाँ बहुत किसी के प्रति वो घृणा वाली या बहुत नेगेटिव वाली थॉट्स नहीं क्रिएट किए हैं, बहुत यू नो हेट्रेड वाली या हाँ ऐसी ऐसे कोई नेगेटिव हम थॉट्स जानबूझ के किसी के नहीं लिए नहीं करते हैं। करते। कई बार क्या होता है, नेगेटिव तो नहीं सोचा लेकिन वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं सारा दिन, व्हाट आर दीज वेस्ट मे बी थॉट्स? अबाउट पास्ट, मे बी अबाउट फ्यूचर, फियर, वरी, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेंटी, या सो इट्स स्पेशली नॉट जो दैट, अभी चल रहा हाँ है। जी, जी सो समवेयर इट इज़ नॉट एक्सट्रीम नेगेटिव, बट दीज आर वेस्ट थॉट्स, आई जस्ट कीप थिंकिंग। और अगर आप देखेंगे ना, तो ये वेस्ट थॉट्स का एक पैटर्न बना होता है, अच्छा वी डोंट इवन नीड अ रीजन वो थॉट्स को क्रिएट कर, बस चलते रहते हैं, एंड इट बिकम्स लाइक अ पैटर्न सारे दिन में। आज भी हम वही सोच रहे हैं जो हम कल सोच रहे थे, और उसके पहले के दिन भी हम वही सोच रहे थे, और उसके पहले भी हम वही सोच रहे थे, और वो सोचने से इन 4 दिनों में कुछ चेंज नहीं हुआ, फिर भी हम कल वही सोचेंगे। तो सो यू नो बेस्ट ही वेस्ट तो थॉट्स हुआ। आर लाइक दैट, या इट्स हाँ लाइक अ रॉकिंग चेयर, यू नो, वो वही 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 झूलते रहते हैं लेकिन कहीं जाते नहीं है, यू नो, यू डोंट मूव अहेड इन ओह लाइफ, आप या बस वही झूल रहे हैं। बट उससे नुकसान। उससे नुकसान ये होता है दैट हाँ वो, क्योंकि वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं एंड दे आर राइट लो एनर्जी थॉट्स, उससे हम बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं धीरे धीरे थ्रू आउट द डे। क्या होता है, वो एनर्जी लॉस होए जा रहे हैं। हाँ जी नाउ इन दैट एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, देन बाय एंड ऑफ द डे आई फील ड्रेन्ड। बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थॉट्स, यस इसीलिए फिजिकल ज्यादा किया नहीं कुछ जी, मेहनत, फिर भी ड्रेन्ड फील कर फिर रहे भी हैं। ड्रेन्ड फील सो द कर रहे हैं। रीजन इज दोज वेस्ट थॉट्स, हाँ जैसे आपने कहा वेस्ट थॉट्स, या फिर नेगेटिव भी है। जी, हम बहुत सोच समझ के कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं नहीं करते करते कभी कभी, हैं। इट्स जस्ट गोइंग ऑन, वी डोंट इवन रियलाइज, या वही एंड समटाइम्स यू नो अवेयरनेस इट्स नहीं ट्रिगर्ड है। बाय एक्सटर्नल, जैसे हाँ नेगेटिव हो गया वो किसी एक्सटर्नल से ट्रिगर होता है, हाँ लेकिन होता है इसीलिए क्योंकि वो बीज मुझ में है। है इफ दैट जो नेगेटिविटी है वो अंदर है तो ही बाहर की सिचुएशन से वो ट्रिगर होती है, नहीं तो नहीं राइट होती है। सो राइट समवेयर व्हाट वी हैव टू डू अगर सब इज, अच्छा चल रहा है तो फिर जी, भी ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ। थोड़ा सा कुछ हुआ उस हाँ सिचुएशन में, हम कोई और इमोशन भी तो क्रिएट कर सकते थे। राइट कोई सैडनेस क्रिएट करता है, कोई एंगर क्रिएट करता है, सो हाँ सबने सेम इमोशन नहीं किया, मीनिंग जिसका बीज मुझ में है, जिस इमोशन को मैंने क्रिएट किया है, हाँ वही उस सिचुएशन में ट्रिगर होता है, और हम सबके कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। सो ओके व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज, देखिए बेस्ट चीज़ है कि ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट वो इस चीज़ को समझ पा रहे कि कहीं कुछ है दैट आई नीड टू वर्क, है ना। राइट अब उनको और थोड़ा अवेयर होना है कि मुझ में कौन से वो बीज हैं, हाँ एटलीस्ट रियलाइज तो कर रहे हैं रियलाइज ना। करे हैं, और हाँ उसको और डीपर रियलाइजेशन लेवल पर लेकर जाना है, जैसे देखना है कि कौन से पैटर्न्स हैं, व्हाट आर दोज नेगेटिव थॉट्स दैट आई क्रिएट, कहाँ पे वो ओके यू नो ट्रिगर हो रहा है, उससे फिर कहाँ वेस्टफुल थॉट्स सारा दिन चल रहे हैं, एक तो ओके अवेयर हो जाए, सो देन यू कैन स्टॉप। विदाउट चेकिंग यू कांट चेंज, या सो यू जस्ट चेक क्या चल रहा है, जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, यू आर डूइंग समथिंग, पॉज एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन, जस्ट बिकम अवेयर। उससे क्या होगा, जैसे ही आप अवेयर हुए कि क्या चल रहा है, कौन से संकल्प चल रहे हैं, यू विल ऑटोमेटिकली सी संकल्पों की गति धीमी हो रही है, जस्ट राइट बिकम अवेयर। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइजेस टू स्टॉप वेस्टफुल थॉट्स, क्या बस अपने संकल्पों को लेकर अवेयर हो जाए, व्हाट इज इट दैट आई एम थिंकिंग, एंड एज सून एज यू डू दैट, आप में वो यू नो आप अपने मन को वो पॉज दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, एंड देन यू नो जब भी हमको गाड़ी को टर्न करना होता है,
हम फास्ट स्पीड में नहीं करते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, हम क्या करते हैं गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं. तो ये हमने क्या किया, हमने गाड़ी के संकल्पों की गाड़ी को धीमा किया. अब उसको टर्न करना है, टर्न कहाँ करना है, टुवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स. राइट. तो जब तक अवेयर नहीं हुए, चेक नहीं किया, चेंज यू नो चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा. तो पहले हम अवेयर हुए, चेक किया कि क्या हो रहा है, एंड नाउ चेंज, चेंज टू समथिंग विच इज पॉजिटिव. राइट. अ चेंज कुड बी आई एम अ पीसफुल बीइंग. अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है. दे आर अभी देखिए, कई बार हम जो बहुत कार्य करके भी वी डोंट फील ड्रेन्ड इज बिकॉज उस टाइम पे हमारे संकल्प कैसे थे, पॉजिटिव थे. हाँ, वी वर हैप्पी अबाउट डूइंग समथिंग. एक मुझे यहाँ पे बात सिर्फ ऐड करनी है ऋतु जी, आप बहुत ये बात जो कह रहे हैं, नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, वो कभी भी एक नहीं आता. हाँ जी, इट इज लाइक अ ट्रेन ऑफ थॉट्स. एब्सोल्युटली, इसीलिए वो इतनी फास्ट गति में चलते हैं और फिर हम थक जाते हैं. हाँ, और अगर पॉजिटिव थॉट किया तो वो स्लो होती है. ब्यूटिफुल थॉट, क्योंकि देखिए जब हम किसी को लेकर बहुत यू नो वो हेट्रेड या गुस्से वाली, किसी के लिए कोई गुस्से वाली फीलिंग है, और उस दिन में आप देखना, जिस दिन आपने बहुत गुस्सा किया होगा, बाय चांस कोई बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किया होगा, यू विल रियली फील टायर्ड, यू विल रियली फील ड्रेन्ड. है ना, होता है. वही हमने जब एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया कि आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, है ना, नॉट डिपेंडिंग आवर हैप्पीनेस एंड पीस ऑन एक्सटर्नल. जैसे यहाँ पे तो बाहर से ट्रिगर हो रहा है, यहाँ हम अंदर ही उन थॉट्स को ट्रिगर कर रहे हैं, सेइंग दैट आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी. अब हमने सी हाउ यू फील ना, या बिकॉज यहाँ पे भी तो आप बिना वजह ही फिजिकल कुछ ना करके ही तो आप इतना ड्रेन हो रहे हो. क्यों? क्योंकि संकल्प ऐसे क्रिएट किए. अब उसका ऑपोजिट क्रिएट करके देखते हैं. और जैसे आपने कहा तनु जी, पॉजिटिव संकल्पों की गति जो है वो ऑटोमेटिकली, एक तो गति कम होती है, स्लो होती है, दे आर काम, पीसफुल, तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है. और दूसरा, क्योंकि वो हाई एनर्जी यू नो वाइब्रेशन थॉट्स हैं, तो वो हमें और ही एनर्जाइज्ड करते हैं. सो ब्यूटीफुल ना, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने से अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, वी कैन चेंज आवर लाइव्स. एब्सोल्युटली, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे थॉट्स एंड द वे वी थिंक. सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन. बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि थॉट्स पे कितना ध्यान देना चाहिए. थैंक यू सो मच ऋतु जी. थैंक यू. आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. ऐसे ही आपके और भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.